और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत से आ रही है, जहां बीजेपी नेता को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। प्रमाण पत्र सत्यापन की रिश्वत नहीं देने पर बीजेपी नेता की पिटाई कर दी गई। लेखपाल पर बंधक बनाकर पिटाई का आरोप लगाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का एडीएम ऑफिस में हंगामा किया, उन लोगों ने लेखपाल को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। तो बीजेपी नेता को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है बागपत से, जहां प्रमाण पत्र सत्यापन की रिश्वत नहीं देने पर बीजेपी नेता की पिटाई कर दी गई। लेखपाल पर बंधक बनाकर पिटाई का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का एडीएम कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। लेखपाल को निलंबित करने की बीजेपी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। हैदर मलिक हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर मौजूद है। हैदर, ये बड़ी विडंबना है, बीजेपी नेता को पीट डाला गया और लेखपाल पर आरोप है कि उसने बंधक बनाकर पीटा है बीजेपी नेता को, क्या कुछ अब इस मामले में आगे हो रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि वे सुबह बागपत तहसील में अपने जानकार की बेटी का जाति पत्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए थे। उस दौरान वहां पर एक 1000 रुपए एक पांच उनसे मांगे, जो उन्होंने भेज दिए, जिसके बाद उसने कहा कि वो दूसरे निकल लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माना और उनके साथ गर्भवता की गई, उनके साथ बातचीत की गई, जिसके बाद उन्हें बंधक बना दिया। जिसके बाद फिर बेटी के तमाम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।